বিনোদন মানেই সিটি সিনেমা, তাই সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন প্রেস করুন আর দেখতে থাকুন সিটি সিনেমা। এখানে সিনেমা নয়, এন্টারটেইনমেন্ট হয়। এখনো পর্যন্ত অর্ধেকটা দেখেছি, ট্রেলার দেখেছি, এবং ট্রেলার দেখে আমার যেটা মনে হয়েছিল যে খুবই একটা ভালো মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ফিল্মে। ফিল্ম যেহেতু একটা খুব স্ট্রং মিডিয়াম কোনো সোশ্যাল মেসেজ দেওয়ার জন্য, সেটাকে এইভাবে যদি মানে ব্যবহার করা হয় তার থেকে ভালো তো আর কিছু হয় না। তো সেটাই, মানে বাকিটা দেখা অপেক্ষায় রয়েছি, অর্ধেকটা দেখেছি, বাকিটা দেখবো তারপরে জানতে পারবো। বেলাইন ফিল্মটার পোস্ট প্রোডাকশান চলছে অলরেডি, এটা নিয়ে আপনারা জানেন যে দিস ইজ আ সাইকোলজিক্যাল ড্রামা উইচ টার্নস ইন্টু আ থ্রিলার ইভেন্চুয়ালি। আমরা সবাই, আমাদের সবার ফিঙ্গার্স ক্রসড, এখন এডিটটা হলে, পোস্ট প্রোডাকশান হলে হোপফুলি সবার ভাল লাগবে ফিল্মটা। বেলাইনে কাস্টিংয়ে রয়েছে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনটি প্রধান চরিত্র, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেয়া ভট্টাচার্য আর তথাগত মুখার্জি, এই তিনজনে রয়েছে। এছাড়া সায়ন রয়েছে, সায়ন ঘোষ, যে আমাদের আর যে সায়ন, সে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোলে অভিনয় করেছে, সে অপ্রতিম, এরা রয়েছে। সবাই মিলেই এখন একটা অপেক্ষা চলছে আর কি ফিল্মটা শেষ করার। ইয়ে কাহানি হ্যায় এক রাজা কি আর এক রানি কি। देखिए मैम, मैं काफ़ी टाइम से एक्टिंग कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे को फर्स्ट डेब्यू मिला और एक अच्छी टीम के साथ मिला। जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो लोग देखो बोलते बहुत हैं, कुछ भी बोलते हैं, हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं वो हमारे ऊपर मैटर करता है। जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, मेरे को डायरेक्टर ने बताया, एक मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें सामने रखी गई, उन सारी चीज़ों को प्लान करने के बाद जब मेरे को रिज़ल्ट दिखाया, उसके बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, इतने टाइम से काम कर रहा था लेकिन अब जो करा है कुछ अच्छा करा है, ताकि एक मैसेज देने को मिला है मुझे। पहले आप काम करते हो कि आपका घर की किचन चलती है, एक काम करते हो जिससे सिर्फ आपको खुशी मिलती है। मुझे बहुत खुशी हुई इस काम को करके, क्योंकि इस मेरे इस प्रोजेक्ट से जो हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, काफ़ी लोगों के घर, काफ़ी नहीं मतलब जो भी मूवी को देखेगा उसे ये मैसेज तो ज़रूर मिलेगा कि उसे अपनों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनको कैसे छोटी छोटी खुशियाँ देनी चाहिए। एक रिश्ता, एक बॉन्ड, वो जो आज की डेट में आज का यूथ भूल चुका है, अपनी सोशल नेटवर्किंग लाइफ में ज़्यादा बिजी हैं, उन सब चीज़ों से हटके, ना कि ये नहीं है कि कैंसर के लिए एक मैसेज है, मैसेज इस चीज़ के लिए भी है कि अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने उस रिश्ते को और मजबूत बनाओ, क्योंकि हमें कल नहीं पता हमारे साथ कब क्या किस टाइम क्या हो जाए। काव्या को पैंक्रियाटिक कैंसर है। मेरे होते हुए मेरा रब भी तुम्हें मेरे से दूर नहीं कर सकता। मैम, हमारी जो मूवी रिलीज होनी थी वो आज ही रिलीज़ होनी थी, क्योंकि आज वर्ल्ड कैंसर डे है और मूवी के अंदर जो एक मैसेज दिया गया है वो उस बीमारी से ही रिलेटेड है। हमारे प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने डिसीज़न लिया कि हम आज के दिन प्रीमियर ज़रूर करेंगे, और हमने एज शूट के टाइम पर हमने इतना चीज़ों को देखा है, इतने सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी, क्योंकि हम जिस जगह शूट करने गए थे वो जितनी ब्यूटीफुल जगह दिख रही है ना, उससे ज़्यादा वहाँ नेचर ने कोहराम मचाया हुआ था। मतलब वहाँ हर चार कदम पर लैंडस्लाइड हो रही है। इनफैक्ट मैं जिस गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था शॉट लेने के लिए जा रहे थे, मेरी गाड़ी बस अपनी जगह से हिली है, पीछे से इतना मतलब बहुत ही बड़ा पत्थर आगे गिर गया। इतना गंदा सीन हमने देखा, उसके बावजूद हमने हार नहीं मानी, हमारी टीम ने साथ दिया और आज हम इसे बना कर लेके आए और इसे इतना खूबसूरत प्रेजेंट किया है। बस लोगों का प्यार चाहिए और बस थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। ফার্স্ট এটার আমার খুব ভালো লেগেছে, যেহেতু আজকাল ফ্যামিলি ফিল্মটা হওয়া খুব কম হয়ে গেছে আর এটাতে একটা ফ্যামিলি মিলে দেখতে পারে,
তো সেরমভাবে আমি প্রথম থেকেই চেষ্টা করছিলাম সেরমভাবে চরিত্র করার। এর আগেও আমি অনেকগুলো চরিত্র করেছি, বাট সেটা সেটা সাইড ক্যারেক্টার। সো মেন লিডে এটা যখন পেয়েছি তো লেটস ট্রাই। আমি রাজস্থানের মেয়ের ক্যারেক্টারটা প্লে করেছি। ক্যারেক্টারটা হচ্ছে যে এটা একটা রাজস্থানি মেয়ে যার ক্যান্সার আছে, বাট সে রাজস্থানটাকে ছেড়ে দার্জিলিংয়ে এসেছে কারণ ওখানে রিলেটিভরা একটু মানে টেন্স হয়ে যাচ্ছিলো। সো এও টেন্স হয়ে যাচ্ছিলো, তো আপনি মুভি দেখে বুঝতে পারবেন। সো ওর ক্যান্সার আছে, তো ওইটাকে কীভাবে ও কোপ আপ করবে, তার ফ্যামিলি কীভাবে কোপ আপ করবে সেটাকে নিয়েই গল্প। অবভিয়াসলি মেসেজ আছে এখানে। একটা মানুষকে যখন পেয়েও না পাওয়াটা ওই ফিলিংটাও আছে, একটা বাবার ইমোশনটা যখন একটা মেয়েকে হারিয়ে ফেলে সেই ইমোশনটাও আছে। সো লাভ আছে, একটু রোম্যান্স আছে, আর কি বলবো, ফাইট আছে, সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে একটা ছবি আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মেরে হতে হুয়ে কোই তুমি কুছ নেই কর সকতা। আই লাভ ইউ। হোয়াট, ऐसे क्या देख रहे हो? अजी कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। टॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट, गॉसिप एंड एंटरटेनमेंट पेते सब्सक्राइब करूँ शुधुमात्र सिटी सिनेमा और फॉलो करूँ सिटी सिनेमार इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड शेयर चैट पेज।